Hi guys, welcome back to our channel Helmet Cam Rider। तो गाइज हेलमेट कैम राइडर आपके लिए निकल चुके हैं मोटर व्लॉग करने के लिए दिल्ली की सड़कों पे। इस समय हम लोग हैं करोल बाग सरायकाले खां वाले पुल पे और आप लोगों के लिए मोटर व्लॉग कर रहे हैं और दिखाते हैं आपको अपना नज़रिया, आप लोगों से करते हैं बात कैसा लगता है आप लोगों को। भाई आज दिल्ली में आई है बारिश धमाकेदार, और यदि आपने बारिश देखनी हो कैसी हुई थी तो भाई मेरा चैनल है ड्रीम व्यू साइट, उस पर जाना और वहाँ पर आपको वॉकिन मिलेगा ड्रीम व्यू साइट के ऊपर, और उस वॉकिन को देखना, जनपद मार्केट का वॉकिन रहेगा और उसे देख करके आपको पता चलेगा भाई कैसी थी बारिश। ओए होए भाई भयंकर, भाई जबरदस्त, भाई मज़ेदार बारिश हुई थी। दिल्ली में ठंड हो गई है, मतलब मौसम ठंडा हो गया, ठंड नहीं हुई अभी, ठंडा मौसम हो गया मस्त एकदम बढ़िया वाला, मतलब मज़ा आ रहा है। जो गर्मी थी सुबह घर से निकलते टाइम धमाकेदार गर्मी थी वो सारी ख़त्म हो गई है, और अब जो है मौसम में ठंडक आ गई है, बदलाव आ गया, बहुत तेज हवा के साथ में बारिश हुई थी तो इसलिए भयंकर मौसम में बदलाव आया, बहुत तेज़ बारिश और हवा थी, मतलब तूफान जैसा था मंजर, ज़बरदस्त। मुझे अपना कैमरा ऑफ करना पड़ा था एक बार, तो ये लगा दीजिए। तो उसके बाद जो है मैं आप लोगों को मेरा नया हेलमेट दिखाई दे रहा होगा गाइस सामने ऑटो की मिरर में, तो कैसा लग रहा है ये कमेंट करिएगा यार। मैंने नया लिया है, आज ही लिया है और मोटर व्लॉग में ऐसे दिखा रहा हूँ, लेकिन ये जो हमारी पिक्चर का यानी कि जो हमारे चैनल की जो मेन पिक्चर है उस पर यही कि कैमरा हेलमेट लगाया गया है, तो देखिएगा बताइएगा कमेंट करिएगा यार इसके ऊपर भी एक बार, है या नहीं। तो भाई ऑटो ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर शीशा जो है ऐसा लगा होता है जिसमें आप अपने आप को भी देख सकते हैं। भाई मेरी बिटिया की चॉइस है, ये पीछे बैठी है, उसी ने चूज़ किया था इस हेलमेट को और अच्छा लग रहा था मुझे। और हाँ एक चीज़ और, वो डांट मारती है बिटिया मत बोला करो, खुशी बोला करो बिटिया से उसे नफरत है बोलने वाले पे मैं बिटिया नहीं हूँ मैं बिटिया नहीं हूँ फिर क्या है आपकी मैडम वो सिखाती है ना आपको हिंदी में क्या नाम है बहुवचन, तो उसमें ये होता है नहीं कंजक्टिवाइटिस, कंजक्शन बोलते हैं, उसी से बिटिया बनता है, बेटी का बिटिया। मेरा नाम खुशी है, मैं बिटिया नहीं हूँ अरे यार अच्छे फंस गए यार, ये तो सड़क पे होते तो निकल भी जाते शायद, कभी कभी समझदारी भारी पड़ जाती है गाइस, देखिए समझदारी भारी पड़ते हुए आज। छोटी सी गली है, सर्विस लाइन है, हम सर्विस लाइन में हैं क्योंकि सामने की तरफ काफ़ी ट्रैफिक था तो हमने सर्विस लाइन में ले ली गाड़ी, और सर्विस लाइन में भी हम फंस गए हैं। बारिश के बाद तो दिल्ली का ट्रैफिक जाम हो ही जाता है यार, कोई बड़ी बात नहीं है, है या नहीं। मैडम जी की गाड़ी धुआं दे रही है, पानी पड़ा है ना अभी। ओहो बाहर जाने का रास्ता था, बीच में हमने चूक गए, आगे से भी है। तो भाई मेन रोड पर ट्रैफिक तो बड़ा ज़बरदस्त है यार आज,
पीछे फंस रहे हैं वैन चो। सुबह भी ट्रैफिक मिला था, जाते हुए भी आते हुए भी बड़ा ट्रैफिक है। बारिश के बाद वैसे भी ट्रैफिक बढ़ जाता है। ट्रैफिक ने वाट लगा देता है, सारे जूते वूते सब गंदे हो गए। चलिए रॉन्ग साइड वालों की वजह से ज़्यादा जाम लगता है, ये देखो ट्रैफिक ही जाम इसी वजह से, ये उल्टा सीधा घुसने वालों की वजह से। और वैसे ना भी हो चाहे, देखो आगे खुल रही है ना सड़क, और रॉन्ग साइड वालों की वजह से ही था। देखो क्यों नहीं समझते यार, ज़रा सा इनका पेट्रोल के चक्कर में 40 गाड़ियों का पेट्रोल और फूकता है, समझना ही नहीं है वैनचूत किसी को भी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है भाई, समझने में दिखा बताने में जाने में, अरे तो समझ से ही पड़े ये लोग। एनी हाउ क्या किया जा सकता है भाई, लोगों के अंदर तो घुसा नहीं जा सकता ना, उनके अंदर घुसा तो नहीं जा सकता ना। किसी के अंदर नहीं घुसा जा सकता। यार अपना तो अच्छा होगा ना, वहां से नहीं भी पानी है सारा सर्विस लाइन में, सारा का सारा पानी है सर्विस लाइन में। ना कर बेटा, यार ट्रैफिक में बात नहीं हो पाती। चलो थोड़ा ट्रैफिक से निकल के आप लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि ट्रैफिक में फिर बात नहीं हो पाती, आप लोगों की वीडियो खींचती रहती है, आप बोर होने के बाद उसको एग्जिट कर जाओगे। खुल गया, खुल गया ट्रैफिक, खुल गया भाई। चलो चलो चलो, खुल ही गया ट्रैफिक, ही खुल गया, आप लोग ज़्यादा बोर ना होइए, ट्रैफिक खुल गया है। यानी लाल बत्ती भी खुली मिल रही है, हाँ येलो हो गई, रुक जाएगा। सो यस, तो भाई लंबी लाल बत्ती है इसलिए रुक गए हैं, और सब कुछ पीछे है, जेब्रा क्रॉसिंग भी पीछे हैं, लाल बत्ती भी रुके हुए हैं। आप भी ध्यान रखिए, लाल बत्ती क्रॉस नहीं करनी है किसी भी सूरत में, कहीं भी कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे लिंक्ड होते हैं। क्या हो गया सूरज, बादलों में घिरा बैठा है, देख रहे हो बच्चा क्या क्या देखता है गाड़ी पर बैठे हुए, स्कूटर पर बैठे हुए है या नहीं। अच्छी बात है, देखना भी चाहिए उसको। तो भाई मैं बात कर रहा था कि आप लोगों से ना सारी चीज़ों का ध्यान रखें, लाल बत्ती का ध्यान रखिए, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, आप भी ज़रूरी हैं, और लाल बत्ती कभी जंप नहीं करनी इसीलिए, ठीक है ना। अरे भाई चाचा इतनी क्या जल्दी मचा रखी है, रुक जाओ दो सेकंड, 10 सेकंड बचे, 9 7 6 5 4 3 2 1 0। तो भाई जो लोग आगे निकल निकल के खड़े हुए थे, हम उनसे भी आगे निकल गए हैं, सिर्फ दो को छोड़ करके,
और अब हम लोग जो है मर्सिडीज़ का उन सबको भी हरा चुके हैं। देखा जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे खड़े होने का नतीजा, आप सबसे आगे। भाई मौसम बहुत ठंडा हो गया भाई, मज़ा आ रहा है। हाँ हाँ, ऐसे लग रहा है दिल्ली में मनाली की वादियाँ हो गई हों। बहुत ठंडी हवा हो गई भाई। आपको आपको कैसे फील कराऊँ, मैं फील कर रहा हूँ, मेरी फीलिंग को समझिए बस। बहुत ठंडी हवा हो गई आज दिल्ली की, मज़ा आ गया है। हाँ, बारिश के बाद की फीलिंग्स अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। खाली अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लग रही है, रियली बहुत अच्छी लग रही है। हाँ भाई, लगेगी भी, लगनी भी चाहिए भाई, क्यों नहीं लगनी चाहिए, है या नहीं। हाँ तो अभी हम कहाँ पहुँचे हैं। भाई आराम से, अंकल आराम से, ताऊ आराम से। अरे यार फिर से ट्रैफिक, यार ये बड़ा बोरिंग वाला सब्जेक्ट बन जाता है यार। ऐसे लगता है कि इंग्लिश स्कूल में कोई संस्कृत पढ़ाने आ गया हो। हिंदी भी हो तो चल आदमी एडजस्ट कर लेगा, लेकिन संस्कृत ही पढ़ाओगे तो वहाँ जो कैसे एडजस्ट होगी ये बताऊँ मुझे। नहीं अरे भाई, अरे मैडम जी थोड़ा साइड दे देती। भाई चलो भाई, यहाँ तो रेड लाइट का जाम लग रहा है, मुझे लग रहा है ये रिक्शा से निकले पहले हम, तभी आगे निकलेंगे। रिक्शा वाले ने तो आफत कर दिया भाई जान को, वेंचर ना निकल रहा है ससुरा, ना निकलने दे रहा है। हाँ साले ज़्यादा जल्दी है मेरे को। तुमसे ज़्यादा जल्दी में है चाचा, हम फोर्ड की जगह टू व्हीलर का सहारा इसलिए ले रहे हैं ताकि हम टाइम पे घर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकें, लेकिन आप चाहते ही नहीं है कि हम सहारा ऐसे लें। देखो यहाँ पर तो ट्रैफिक सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कमर्शियल एक्टिविटी, रॉन्ग पार्किंग, मिस पार्किंग की वजह से सिर्फ, और कुछ नहीं है या नहीं। अरे चल आलू बुड़ी। हाँ भाई यार, यहाँ लाल बत्ती का जाम ज़्यादा लग रहा है। छोटी लाल बत्ती है, बार बार हो जाती है, ट्रैफिक से ज़्यादा छोटी है भाई। स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, स्कूल के बच्चों को नमस्कार। शुक्र है थोड़ा सा ट्रैफिक खुलता है, जान में जान आती है। मैं चल ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कहाँ फंस गए यार, कहाँ फंस गए लिटरली। भाई ट्रैफिक नहीं बर्दाश्त होता है, और गाड़ी वाला तो अपने उसमें म्यूजिक सिस्टम लगा करके, टीवी लगा कर, यूट्यूब चला करके वहाँ तो देखता रहता है, बैठा रहता है, ठीक है ना, एसी में बैठा रहता है। फिर टू व्हीलर वाले के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एम्बुलेंस के बाद वहाँ से। ठीक है हमारी लाइन पर नहीं है, ठीक है ना भाई। अरे भाई बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें ध्यान रखना। हाँ इसी बात से याद आया, एम्बुलेंस की आवाज़ जब भी देखें सबसे पहले उसको रास्ता दें। जैसे आप रास्ता देने के लिए हॉर्न मारेंगे, पीछे वाले सारे अपने आप चलेंगे। थोड़ा थोड़ा सबके पास देखिए 16 इंच की जगह। अरे अरे ये क्या किया हमने, हमसे पाप हो गया, एक हमने ध्यान नहीं दिया और एक ऑटो वाला खड़ा था, सारे ट्रैफिक के साथ हम भी निकलते चले गए जबकि रेड लाइट थी। ट्रैफिक जैसे भाग रहा था जैसे लाल बत्ती है ही नहीं। ओहो ये हमने क्या कर दिया, वेरी बैड, ऐसा नहीं करें यार। लेकिन ट्रैफिक के भागते हुए के साथ में अगर हम रुकते तो शायद पीछे वाला भी हमें कोई ठोक सकता था, इसीलिए चलो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ।
यही कहेंगे लास्ट अपने दिल को तसल्ली देने के लिए। लाल बत्ती सबको नहीं दिख रही थी वो। अरे नहीं, चलिए कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, यही कह सकते हैं लास्ट। भाई आगे एम्बुलेंस को रास्ता दीजिए, जब भी आपको एम्बुलेंस वगैरह कोई दिखाई देती है उसको रास्ता दीजिए जाने के लिए। हर किसी के पास एक फुट से ऊपर का गैप होता है। अगर एम्बुलेंस दिखती है और वो दबाना शुरू करता है तो 6-6 इंच और दबाया जा सकता है सब कड़ियों को। जैसे ही 6-6 इंच दबेगी एम्बुलेंस अपने आप निकल जाएगी। नॉर्मल फिलॉसफी है, एक फुट से ज़्यादा का गैप होता है लोगों के पास। हाँ, तो उसको अगर 6-6 इंच भी कर दिया जाए एम्बुलेंस के पास सुनते ही, तो एम्बुलेंस आराम से निकल सकती है, नो डाउट। इसमें कोई झूठ नहीं है, उसमें कोई शक भी नहीं है। चलिए अभी हम केशवपुरम से निकल चुके हैं भाई, और यहाँ पहुँचने वाले हैं पीतमपुरा। तो अभी पीतमपुरा पहुँचते ही, अभी ज़बरदस्त है पीतमपुरा। अरे यहाँ तो ऐसे लग रहा बारिश ही नहीं हुई। और ये देखो सड़क तो ऐसे सूखी पड़ी जैसे यहाँ बारिश ही नहीं हुई लिटरली, या यहाँ बहुत देर पहले हुई थी और या हुई नहीं। धूप देखो कितनी हो गई यहाँ पर, तो तेरे की सेंट्रल दुबह बारिश तो हुई थी। देखो सामने मेट्रो के पिलर वगैरह पे सब पे बारिश हुई हुई है, लेकिन यहाँ धूप इतनी निकली है कि सारा सूख गया। कमाल हो गई यार, दिस इज़ वेरी रॉन्ग यार, आई डोंट लाइक दिस, आई हेट दिस, आई डोंट लाइक दिस, आई हेट दिस। तो भाई अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं पीतमपुरा वाले मोड़ रोड पे, आउटर रिंग रोड पे, सॉरी रिंग रोड पे, आउटर नहीं है ये, रिंग रोड है। और रिंग रोड पे हमने जो है अपनी स्कूटी को निकाल दिया आगे को, और अब हम ऊपर चढ़ के जाएंगे रिंग आउटर रिंग रोड की तरफ को। तो भाई ये सब के साथ साथ हम लोग भी ऊपर चले जाएंगे, ये हमारे को आउटर रिंग रोड पे ले जाएगा रास्ता। जब से बनी है ना सड़क तब से ये गड्ढा आज तक नहीं भर पाया, हर बार भरते हैं और ये ख़राब हो जाता है, हर बार भरते हैं ये ख़राब हो जाता है। कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं होता, लेकिन वो होती हैं। जैसे मैंने बताया हमेशा आज तक ये जो सड़क है, इस सड़क का ये जो गड्ढा है कभी भर नहीं पाया। आएंगे बनाएंगे NDMC फिर वो ख़राब हो जाएगा। पता नहीं क्यों ख़राब हो जाता है ये मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ ये ख़राब हो जाता है। भाई यहाँ तो इतनी गर्मी लग रही है, देखो बारिश तो हुई है नो डाउट, लेकिन यहाँ कितनी गर्मी हो गई भाई। वहाँ कितनी ठंडी हवा थी सेंट्रल तक, है ना, सेंट्रल तक तो ज़बरदस्त ठंडी हवा थी भाई। यहाँ देखो कितनी गर्मी हो गई है, बहुत गर्मी है भाई यहाँ तो। मतलब ठंडी हवा है लेकिन वो जैसे वहाँ ठंड लग रही थी वहाँ यहाँ नहीं है। है खुशी यहाँ कितनी गर्मी हो गई, है ना, वहाँ कितना ठंडा मौसम था ना, मज़ेदार था। हाँ हाँ कितना मज़ेदार मौसम था, ठंडा ठंडा। हाँ है, चलिए गाइस हम पीतमपुरा में घुस चुके हैं और लगभग हमारी वीडियो भी हो गई है 18-19 मिनट की हो गई है। चलिए अब हम आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना यार, शेयर कर देना यार। आज के लिए बाय बाय, रेड लाइट एक और आ गई है, अब यहाँ आपसे विदाई लेते हैं, बाय बाय।